कांता है। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पॉलिटिकल साइंस विभाग में पढ़ाती हूँ और मैं आपकी समाज की बेटी हूँ और मुझे गर्व है, फख्र है कि मैं इस समाज से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की विरासत को संभालने के लिए इस आंदोलन में जब से समझ आई है तब से चल पड़ी हूँ। आपने समय सीमा बांधी है, ये समय सीमा आंदोलन के लिए निश्चित नहीं होती है। हम बहुत सारे विचार सुने समझे लेकिन यदि मन के भावों तक ना पहुंच पाए तो संख्या मायने नहीं रखती। आपका विषय भी है बहुजनों पे अल्पमतों का शासन, तो ये समझने वाली बात है कि कौन अपनी बात को ज्यादा करने तक चीजों पहुंचा सकता है। मुझे लगता है कि मैं कर सकती हूँ। आज का विषय है यदि आपकी सहमति और अनुमति हो तो क्या मैं विषय के विषय में बात करूं। धन्यवाद। आज का विषय है, क्योंकि मैं पॉलिटिकल साइंस से हूं तो ये विषय पॉलिटिकल साइंस का ही है, लोकतंत्र में बहुजनों पर अल्पजनों का शासन क्यों, कैसे और कब तक। ये समझने वाली बात है कि क्या हमारे बहुजन लोकतंत्र को समझते हैं या लोकतंत्र जानते हैं। यहाँ जितने सारे लोग बैठे हैं क्या वो लोकतंत्र की परिभाषा को जानते हैं, क्या वो अपने अधिकारों को जानते हैं। हमने एक बड़ा अच्छा नाटक यहाँ देखा, वह नाटक नहीं हमारी जीवन की, हमारे अस्तित्व की वेदना का हकीकत चित्रारण था, हकीकत का चित्रारण था जिसे हमने मंच पर वंचित होते हुए देखा। लोकतंत्र जनता का शासन जनता के लिए और जनता के द्वारा होता है, और जनता क्या होती है, वो ये भीड़ होती है, और ये भीड़ जाकर जब जाकर किसी अपने प्रतिनिधि को चुनती है वो जग निर्धारित करते हैं कि कौन हमारी आवाज को संसद में जाकर पहुंचाएगा। और आज की डेट में 137 बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से, राजनीतिक आरक्षण की वजह से 137 सांसद वहां पर है। क्या वो हमारी आवाज बने हैं? नहीं बने। क्या आप जानते हैं उन 137 सांसदों को? नहीं जानते हैं। आप अपने पूरे एमएलओ को जानते हैं? नहीं जानते हैं। यही सबसे बड़ा कारण है कि अल्प जन का बहुमत पर शासन है, क्योंकि हम जानते ही नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्धत्व को अंतिम में अपनाया, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं हिंदू, पैदा होना मेरे वश में नहीं था लेकिन मैं हिंदू समाज में हिंदू धर्म में मरूंगा, ये जरूरी नहीं है। मैं निर्धारित करूंगा कि मैं किस विचार में, किस विचारधारा में अपने जीवन को समाप्त करूंगा। जब आजादी मिली तब बाबा साहब अम्बेडकर एक ऐसी क्रांतिकारी सोच के अंतर्गत अपने जीवन को निर्वाह कर रहे थे। 1947 से 1950 का जो अंतराल था उस समय, वो समय काल ऐसा था कि भारत संविधान निर्माण की तरफ बढ़ चला था। पूरे विश्व में इसका डंका था कि भारत ने इतने सदियों की गुलामी को तोड़ते हुए लोकतंत्र को अपनाया और पूरे विश्व में एकमात्र ऐसा देश था जहां पर एक लंबी लड़ाई लड़ी गई थी। और दुनिया भर की मीडिया, आज भी यहां पर मीडिया है, दुनिया भर की मीडिया की निगाह भारत पर थी कि देखे कि विभिन्न जाति, सिर्फ भारत एक ऐसा देश है जहां पर धर्मों की संख्या अनेक है, जातियों की संख्या अनेक है और भाषाओं की संख्या अनेक है, सिर्फ भारत एक ऐसा देश है। तो मीडिया चल पड़े कि देखे ये भारत के गगन और विचारक लोग और जिन्होंने आंदोलन में पार्टिसिपेट किया है वो क्या कर रहे हैं। तो मीडिया सबसे पहले नेहरू के यहाँ जाती है, तो वहां दरबार में कहा जाता है कि नेहरू जी से बात करनी है, तो कहते वो सो रहे हैं। पटेल जी के यहाँ जाते हैं तो कहते जी वो सो रहे हैं। राजेंद्र प्रसाद जी के यहाँ जाते हैं कि जी वो सो रहे हैं। और 26 अलीपुर रोड पर
रोशनी जल रही थी। अभी तक शायद कोई सोया नहीं था। मीडिया वहां जाती है और पूछती है, क्या बाबा साहब अंबेडकर सो गए, हमने डिस्टर्ब तो नहीं किया? तो दरबार ने कहा मैं जाकर पूछ कर आता हूँ। तो अंदर उनके शयन कक्ष में जाकर उनका दरबार पूछता है कि कुछ मीडिया कर्मी आपसे बात करना चाहते हैं, तो क्या मैं उन्हें बुलाऊं? कहा जरूर जरूर, जल्दी से बुलाइए। जब उनके शयन कक्ष पर पहुंचते हैं तो उनका पहला सवाल था कि बाबा साहब अब तो आपको आजादी मिल गई है, आप एक लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं, जब तो आप संविधान बना रहे हैं तो आप क्यों जाग रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि जो सो रहे हैं क्योंकि उनका समाज जागा हुआ था और मेरा समाज सोया हुआ, इसलिए मैं आज जाग रहा हूं। तब भी मेरे समाज के दिमाग में उनको अकल नहीं आई है कि भले ही मैं मनुस्मृति जला दूं, भले ही मैं पानी के लिए आंदोलन या महिलाओं को समानता प्रदान कर दूं, लेकिन मेरा समाज वो मूर्ख समाज है कि वो जागेगा नहीं, इसलिए मुझे जागना पड़ेगा और वो व्यवस्था करनी पड़ेगी कि मेरा समाज भले सोता रहे, मेरे समाज पर कोई प्रहार न कर पाए। उसके लिए उन्होंने संविधान का निर्माण किया। भले ही आप इतने 70 सालों तक भले ही आप सोए हुए हो, सिर्फ आपका संविधान आपकी रक्षा करता है, उसके कारण आप स्वतंत्र होकर यहाँ बैठे हुए हैं, आपस में वार्तालाप कर पा रहे हैं। यही लोकतंत्र है कि हमें समानता मिली, स्वतंत्रता मिली, स्वेच्छा मिली और उस समानता, स्वतंत्रता और स्वेच्छा का हम प्रयोग भी नहीं जानते और लोग उनका दुरुपयोग कर जाते हैं। हम उनका प्रयोग भी नहीं जानते और लोग उनका दुरुपयोग कर जाते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा था कि पहले जानो फिर मानो, लेकिन हमारा समाज, बहुजन समाज जानता नहीं है, जानना चाहता नहीं है, सिर्फ मानता है। और सबसे ज्यादा बहुजन समाज हिंदू रीति रिवाज आडंबर में फंसा हुआ है और उसमें सबसे ज्यादा मेरी माँ बहने विद्यमान है उसमें मानने में। ये व्रत वो व्रत, ये माता को मानना है, उस भगवान को मानना है, इतने असंग भगवान है पता ही नहीं चलता कि किस भगवान को मानना है, लेकिन अपने संविधान को नहीं मानना। सबसे ज्यादा दिल्ली की बात है कि दिल्ली से आंदोलन शुरू किया तो दिल्ली में हमारे अंदर ही विभाजन है, हम अपने आप में विभाजित हो चुके हैं कि सिर्फ दिल्ली में जाटव और वाल्मीकि है। नहीं बंधु, हम 85% है तभी हम बहुजन है। वाल्मीकि और जाटव को लेकर लड़ाई नहीं लड़ी जाते। आज आप यहाँ पर सिर्फ कुछ समुदाय, सब कास्ट और विभिन्न प्रकार की जातियों की बात मत कीजिए, आप अपनी 90% जनसंख्या की बात कीजिए जिनके अधिकार आज ताक पर रखे हुए हैं और जिसके साथ खिलवाड़ आज हमारा सुप्रीम कोर्ट भी कर रहा है। हम लक्ष्यकार बातें करते उससे कुछ हासिल नहीं होगा, आपके मन की बात कर दूं और ताली बजा देंगे उससे कुछ नहीं होगा। हो सकता है कि मैं कुछ कड़वा बोलूं, किसी को ना पसंद आए, लेकिन मान लीजिए हमेशा जो शरीर के बीमारी का जो नाश करती है वो दवाई कड़वी होती है और उस कड़वी सच्चाई को आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि जब तक आप अल्पसंख्यक लोगों का, आज अल्पसंख्यक मानसिकताओं का और आज आप अल्पसंख्यक विचारधाराओं का पीछा करना नहीं छोड़ेंगे, आप तब तक गुलाम रहेंगे। और आप मान लीजिए कि आप गुलाम हैं क्योंकि आप उस मानसिकता के गुलाम हैं, क्योंकि आप शासन नहीं करना चाहते, क्योंकि आप शासित रहना चाहते हैं, आप शोषण के शिकार बने रहना चाहते हैं। इसलिए उस शोषण से बाहर निकलने के लिए जरूरी है कि आपको उन आडंबरों से बाहर निकलना पड़ेगा, उन विधाओं से बाहर निकलना पड़ेगा
उन विचारों से बाहर निकलना पड़ेगा जिन विधाओं ने आपके पैरों में अदृश्य बेड़ियां जकड़ी हुई है, उससे निकल जाइए। उसका एकमात्र सूत्र है शिक्षित होना, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें गुण दिया, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। शिक्षित होना है, संगठित हो जाइए, सब कास्ट से विभाजित ना होकर एकजुट हो जाइए तो संघर्ष हम नहीं, हमारे पीछे वो अल्पसंख्यक संघर्ष करेंगे, वास्तव में ही वही लोकतंत्र होगा। नहीं तो ये एक तरीके का अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं है। और इस अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंतर्गत हमें सैद्धांतिक लोकतंत्र की जरूरत है, हमें प्रक्रियात्मक लोकतंत्र की जरूरत नहीं है। प्रक्रियात्मक मतलब सीरियल डेमोक्रेसी, मतलब आप सिर्फ हर 5 साल बाद एक ठप्पा लगा देने, एक बटन दबा देने भर से आपको लोकतंत्र नहीं मिलेगा। आपको लोकतंत्र के मायने जानने पड़ेंगे, अपने घरों से निकल कर नोटा भी दबाना पड़ेगा, तभी लोकतंत्र की प्राप्ति होगी और तभी आपके बहुमत बहुजन की प्राप्ति होगी, तब जाकर आप लोकतंत्र की वास्तविकता को समझ पाएंगे। बातें बहुत सारी है, समय बहुत कम है क्योंकि बहुत सारे वक्ता है, लेकिन कभी मौका मिला तो मैं जरूर आपको बहुत सारी चीजों की जानकारी दूंगी। धन्यवाद।